नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे किराना का जो शॉप होता है, किराना का जो स्टोर होता है, उसमें आप कैसे बिल बनाएंगे A4 साइज में, और साथ में इस लेजर प्रिंटर का कैसे प्रयोग करेंगे उसके बारे में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। जो किराने की स्टोर, जैसे जिसको हम आप ग्रोसरी बोलते हैं, या तो फिर आपका किराना का जो शॉप है उसके रिलेटेड आज यह वीडियो है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि बिल आप कैसे बनाएंगे और A4 साइज में इस प्रिंटर के माध्यम से आप कैसे बिल को प्रिंट करेंगे, टोटल उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, हमें आपके कुछ प्रोडक्ट को हम यहां से स्कैन करते हैं, जैसे 0007 करके एक बार कोड है, 0008 करके एक बार कोड है, और 0009 करके एक बार कोड है। तीन बार कोड को हमने स्कैन किया। यहां पर टोटल बिल दिख रहा है आपका ₹1270। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब टू बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, सेल हमेशा टू टाइप्स के होते हैं, पहला जो होता है कैश, दूसरा जो होता है क्रेडिट। इस सेल को हम कैश के रूप में देखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्रेडिट भी देखेंगे, और फिर उसी जो सेल का अमाउंट होगा उसी अमाउंट को हम QR कोड के माध्यम से कैसे पेमेंट करेंगे उसके बारे में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर अमाउंट टोटल दिख रहा है ₹1270 का। अगर इस अमाउंट को हमें QR कोड के माध्यम से अगर पेमेंट करना है, तो हम यहां पे अपने QR कोड गूगल पे को मैं ओपन कर रहा हूं। अभी इस तरीके से दोस्तों देखिए, ये गूगल पे है हमारा, यहां पर हमने पासवर्ड डाला और हमारा गूगल पे वाला अकाउंट जो है इस तरह से दोस्तों देखिए कि ये मेरा ओपन हो गया है। अभी हम स्कैन कर रहे हैं इसको, ये देखिए स्कैनिंग बटन के डिजिटल के माध्यम से, और यहां पर ये A4 साइज की जो बिल है ऑटोमेटिक जनरेट आपको निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर A4 साइज का बिल आपको निकल चुका है, यहां पे निकल रहा है दोस्तों। यहां पर अगर आपका QR कोड आपको दिख रहा है, इस QR कोड के माध्यम से भी अगर आप पेमेंट करते हैं, आप क्लिक करेंगे यहां पर, आप देखिए यहां पर डालेंगे गूगल पे ऑटोमेटिक, यहां पर आप यह 12 बटन को प्रेस कर लेता हूं इसको, यहां से क्लोज, यह 12 बटन को जैसे देख रहे हैं बटन है, और यहां पे जैसे यहां पर इस प्रिंटर के माध्यम से दोस्तों, ये जो प्रिंटर आपको दिख रहा है, इस प्रिंटर के माध्यम से इस 12 कैसे आप प्रिंट करेंगे उसको दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ही आप 12 बटन अभी आप थोड़ा सा इसका प्रिंट प्रेस के बारे में देखते हैं, आज यहां पर जहां पर लिखा हुआ, और इस प्रिंटर के माध्यम से एक कंपनी का प्रिंट करेंगे, कंपनी का देखने वाले हैं। यहां पर आप देखिए प्रिंटर है, प्रिंट बटन पे जैसे आप क्लिक किया तो तुरंत कुछ एड्रेस है, कौन से आपका स्टेट नीचे के उसके यहां पे नंबर है, बटन पे हमने क्लिक किया, ईमेल आईडी है, तो देखिए कि इस प्रिंटर के माध्यम से यहां पर ये बिल जनरेट होके इसके निकल आएगा, और इसमें जैसे डे का फर्स्ट बिल इंक्लूड है, उसके बाद जब आप बिल चलने के लिए एकदम आसान है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शायद से पावर का थोड़ा सा इशू है, हम बोलेंगे थोड़ा सा पावर देखने के लिए, पावर वहां पे देखिए आप दोस्तों। अभी यहां पर आप प्रिंट बटन पे क्लिक करना चाहते हैं, तो यहां पे आप प्रिंट बटन को जैसे प्रेस करेंगे, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटर है आपका आ जाएगा, और जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे,
दोस्तों अगर आप इसमें क्रेडिट में सेल करना चाहते हैं और फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कट कर दिए। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे बाकायदा नंबर अगर इसको दूसरा डालना चाहते हैं यहाँ पे 70800 60 50 करके जैसे मैंने इंटर किया ऑटोमेटिक आ गया कि आप कस्टमर की डिटेल को इंटर करिए। जैसे मैंने यहाँ पर राजकुमार डाला, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया यूपी, यहाँ पर डाल दिया सिटी आपका यूपी, यहाँ पर इस तरीके से स्टेट डाल दिया UP। इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पोस्टल कोड हो गया, यहाँ पर इस तरीके से जो भी है GST नंबर आप डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दिए, डाल के जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं कॉन्टेक्ट नंबर बोल रहा है 2000 और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया हमने वो पहले से एक ऊपर अगर आप देखेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक पूरा कस्टमर के डिटेल आ गए हैं यहाँ पर। अभी आप जैसे 0001 डाला, 0008 डाला, 0009 डाला, मैंने तीन प्रोडक्ट टोटल 2290 रुपए का मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये अब टू बटन को प्रेस किया और ये अब टू बटन को प्रेस करने के बाद ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसमें पूरे के पूरे उधारी डाल दिया 2290 रुपए का और यहाँ पे सेव बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। यह अमाउंट ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट रूप में चला गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे उधार वाले जो बिल हैं उसको कैसे पेमेंट लेंगे और इसका पूरा लेजर देखेंगे हम कि कितना इन्होंने प्रोडक्ट कौन कौन सा बिल खरीदा है और कितने रुपीस का इन्होंने लिया हुआ है। और यहां से अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं फिर से एक बार और हम दिखा देते हैं। यहाँ पे प्रिंट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक। दोस्तों देखेंगे इस प्रिंटर के माध्यम से, जो लेजर प्रिंटर है, इस प्रिंटर के माध्यम से आपका ये देखिए दोस्तों बिल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। देख रहे हैं ये देखिए आपका बिल आ गया। इस बिल को A4 साइज A5 साइज लेजर में ले सकते हैं जो सपोर्ट करता है, थर्मल प्रिंटर में 2 इंच 3 इंच को आप ले सकते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी आप इस बिल को आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।